हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ निकॉन ZFC, जिसको कि मैंने अभी मुश्किल से 5 दिन पहले परचेज करा है। इस वीडियो में आपको निकॉन ZFC का कंप्लीट रिव्यू मिलेगा। मैंने निकॉन ZFC क्यों लिया, इससे पहले मैं व्लॉगिंग करता था एक सैमसंग के मोबाइल फ़ोन से, और मुझको लगा कि अब मेरे को अपनी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सुधारने का समय आ गया है, तो मैंने लिया निकॉन ZFC। निकॉन ZFC को लेने के पीछे काफ़ी सारी वजहें थी, और उसमें से एक है सबसे बड़ी इसका वेट काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर DSLRs और मिररलेस। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, ये एक मिररलेस है। रही बात इसके प्राइस की, इसका प्राइस है 98,000। मेरे को कुछ डिस्काउंट्स के बाद ये ऑलमोस्ट 90 का पड़ गया था, और ये अंडर 1 लाख सबसे अच्छा व्लॉगिंग कैमरा है। क्यों है? सबसे पहली चीज़ वेट, उसके बाद इसकी पिक्चर क्वालिटी। अगर मैं पिक्चर क्वालिटी की बात करूँ तो ये 120 फ्रेम्स तक कैप्चर कर सकता है। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स पता चल जाए। ज़रूरी नहीं है कि इस कैमरे के अंदर सारी खासियत ही हो, कुछ नुकसान भी हैं, वो सब बताऊंगा आपको इस कंप्लीट रिव्यू में। निकॉन ZFC निकॉन की जेड सीरीज़ को बिलोंग करता है, और निकॉन की जेड सीरीज़ सबसे प्रीमियम रेंज के कैमरे बनाती है। और इस कैमरे के साथ इनबॉक्स हमको मिलता है एक स्ट्रैप जो मैंने लगा रखा है। इस स्ट्रैप में आपको हर जगह निकॉन की ब्रांडिंग मिल जाएगी। यहाँ पर भी निकॉन की ब्रांडिंग है, और स्ट्रैप में यहाँ पे मेंशन्ड है निकॉन जेड। तो जैसा मैंने बताया, जेड सीरीज़ एक प्रीमियम सीरीज़ है, तो आपको हर जगह जेड सीरीज़ की ब्रांडिंग मिलेगी। इनबॉक्स मुझको एक स्टिकर भी मिला था, इसका स्टिकर आपको लास्ट में दिखाऊंगा मैं। बाकी इनबॉक्स हमको मिला एक स्ट्रैप, रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी जो कि यूजुअल है, बैटरी का चार्जर, यूज़र मैनुअल और एक वारंटी कार्ड। रही बात इसकी वारंटी की, इसके साथ हमको 2 साल की वारंटी मिलती है। और ये कैमरा और लेंस दोनों ही चीज़ें थाईलैंड में बन के आई हैं। ये कैमरा काफ़ी ही विंटेज और एंटीक लुक में आता है, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। इसके सारे के सारे मैनुअल ऑपरेशंस हैं। ये देखिए, टोटल 3 डायल हैं, 1, 2 और 3। ये तीनों डायल मैनुअल ऑपरेशंस के लिए हैं, ISO, अपर्चर और एक्सपोजर। यहाँ पे एक रिंग और है, इधर एक रिंग और है। जो फ्रंट पे रिंग है, इस रिंग से आप अपनी सेटिंग्स प्लस माइनस कर सकते हो, और जो बैक में रिंग है उसमें भी आप सेटिंग से अप डाउन स्क्रॉल कर सकते हो। यहाँ फ्रंट में आपको 2 बटन मिल जाते हैं, ये है लेंस रिलीज़ का बटन, लेंस को आप बाहर निकाल सकते हो इस बटन को प्रेस करके। लेंस को मैंने ऐसे लॉक करा, ऐसे करा, और ये लेंस हमारा बाहर, देख सकते हो बॉडी कितनी अच्छी है इसकी। और जो ये वाला बटन है हमारा, ये हमारा भी कुछ प्रीसेट्स के लिए है। अगर मैं बात करूँ इसकी स्क्रीन की, तो हमको इस निकॉन ZFC के साथ फुल्ली आर्टिकुलेटिंग डिस्प्ले मिलता है। ये देखिए, फुल्ली आर्टिकुलेटिंग डिस्प्ले। आप अगर व्लॉगिंग करते हो मेरी तरह, तो आपने किसी ट्राईपॉड या गोरिल्ला पॉड में इसको अटैच कर लिया, ऊपर कोई माइक्रोफोन लगा लिया, और आप सामने से अपना व्लॉग बना रहे हो, अपने आप को आप देख भी सकते हो। जो आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन होती है, उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला, आपका ना माइक्रोफोन दिक्कत करेगा, ना आपने अगर गोरिल्ला पॉड लगा रखा है तो आपको स्क्रीन में कोई भी विजिबिलिटी आपसे लॉस होगी। इसका व्यू फाइंडर भी पूरा गोल शेप में आता है, काफी बड़ा है। निकॉन ZFC की एक खास बात और है, इसमें टोटल 209 फोकस पॉइंट्स हैं, और इसमें एनिमल आई और ह्यूमन आई फोकस का भी फंक्शन है। वीडियो बनाते बनाते भी ये ह्यूमन एंड एनिमल आई को फोकस कर लेता है, तो ये अप टू 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है एंड विद 30 फ्रेम्स। अगर इसके मैक्सिमम फ्रेम्स की बात करूं तो ये 120 फ्रेम्स तक कैप्चर कर सकता है। और इस कैमरा के साथ मुझको कुछ फ्रीबीज भी मिले, फॉर एग्जांपल एक 16GB का सैंडिस्क का एक्सट्रीम प्रो SD कार्ड। इस SD कार्ड की खासियत है कि इसमें अप टू 170 Mbps का हमको ट्रांसफर रेट मिल जाता है। इसके साथ एक मेरे को बैकपैक मिला है, बैकपैक आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ये बैकपैक है वाइल्ड क्राफ्ट की तरफ से, और इस बैकपैक में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। आपको स्पेस दिखाता हूँ, आप भी कहोगे कि क्या बात है। इस बैकपैक की स्पेस को देखिए आप, काफ़ी स्पेस है इसमें। ऑल्दो एक इतने छोटे से क्यूट से कैमरा के लिए इतना बड़ा बैग देने का कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन मैं एक व्लॉगर हूँ, मेरे साथ और भी बहुत सारी एक्सेसरीज रहती हैं, वो सारी एक्सेसरीज मैं इसमें आसानी से रख लेता हूँ और आराम से इसको अपने शोल्डर पर रख के आगे बढ़ जाता हूँ। अगर मैं मेगापिक्सल की बात करूँ तो निकॉन ZFC आता है 20.9 मेगापिक्सल के साथ। इस कैमरा को आप वाईफाई ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसके सिंबल भी दिख जाएंगे, वाईफाई एंड ब्लूटूथ। और हाँ, सबसे अच्छी बात, इस कैमरा में C टाइप चार्जर है।
आप रिकॉर्डिंग करते करते भी इसको चार्ज कर सकते हो। अब मैं आपको इस कैमरे को पावर अप करके दिखाता हूँ। इसकी बैटरी अभी भी बॉक्स में ही है। ये दो लेंस के कैप्स, एक बॉडी में लगा था और एक लेंस के बैक पे लगा था, दोनों पे नाइकॉन की ब्रांडिंग। ये जैसा कि मैंने आपको स्टिकर के बारे में बताया था, ये मिला हमको स्टिकर। ये कुछ मैनुअल्स और ये हमारा चार्जर एंड ये रही हमारी बैटरी। अब मैं बैटरी को लगा के दिखाता हूँ और इस कैमरे को ऑन करके दिखाता हूँ। बैटरी लगाने के लिए यहाँ पे इसमें नीचे एक छोटा सा शटर दिया हुआ है, आपको इसको ऐसे ऐसे करना होगा और ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप अपनी बैटरी इसमें लगा सकते हो। बैटरी गई अंदर। एसडी कार्ड, मैंने इस कैमरा को पहले यूज़ करा था क्योंकि एट द एंड मैं नाइकॉन ZF-C की रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ, तो रिव्यू वीडियो के लिए इस कैमरा को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी था। और ये गया हमारा, इसी के जस्ट नीचे माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट है। ये गया हमारा एसडी कार्ड अंदर। आप इसकी डिस्प्ले देख सकते हो कितनी ब्राइट है, ब्राइटनेस और बढ़ सकती है। इसको अपने सेलफोन से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ मोड दिए हुए हैं इसमें। यहाँ पे आप अपना फ्लैश और माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हो। मैंने एक माइक्रोफोन भी लिया है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको इस माइक्रोफोन के बारे में पता चल सके। और मैंने इसके लिए जॉबी का गोरिल्ला पॉड भी ऑर्डर करा है, आप मेरे चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो। बाकी अब मैं आपको इसके कुछ शॉट्स दिखाता हूँ। इस कैमरे में यहाँ पे छोटा सा एक और डिस्प्ले दिया हुआ है, इस पर आप अपना अपर्चर देख सकते हो। बाकी आप लोगों ने इसके शॉट्स भी देखे, कैमरा मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। बाकी ये देखिए, ये मैंने लिया बोया का माइक्रोफोन और ये मेरा जॉबी का गोरिल्ला पॉड। आपको अगर इसका वीडियो देखना है तो फिर आप जाके देख सकते हो। बाकी कैमरा मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। नाइकॉन ZF-C एक परफेक्ट चॉइस है व्लॉगिंग के लिए। इसका कॉस्ट थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग रहा होगा, और हाँ, इस कैमरे को मैंने बहुत सोचने समझने के बाद लिया। मैंने से पहले सोचा था कि मैं सोनी का ZV-E10 लूँगा, लेकिन वो इंडिया में आ नहीं रहा था ड्यू टू सम यू नो पॉलिटिकल इश्यूज़। तो काफ़ी सोचने समझने के बाद मैंने इस कैमरा को लिया और मैं लेने के बाद काफ़ी खुश भी हूँ। अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं। एक मिनट के लिए मैं बॉडी को लेंस से अलग करता हूँ। ये देख रहे हैं इसका, आप लोगों को इसको बहुत संभाल के रखना होगा कि इसमें कभी भी कोई भी डस्ट ना जाए, ना कोई डस्ट ना कोई रेशा, क्योंकि अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो फिर इसको सही कराने में आपके कम से कम 3500 रुपीज़ लग जाएंगे। इसको फिर से मैं कर देता हूँ पैक, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई खर्चा हो। और हाँ, ये इसमें ब्लैक स्पॉट देख रहे हो आप, आपको यहीं से पॉइंट आउट करना है कि मेरा लेंस यहीं से अंदर जाएगा। ये इसमें वाइट स्पॉट, उसमें ब्लैक स्पॉट, ठीक। तो आपने इसको ऐसे लगाया और आपका लेंस लॉक। वीडियो क्वालिटी मेरे को काफ़ी इसकी अच्छी लगी। पर्सनली मैं इसको 5 दिन में यूज़ करके बहुत खुश हुआ। और वीडियो क्वालिटी आप लोग देख सकते हो मेरे चैनल पे, मैंने व्लॉग्स बना के डाले भी हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये निकॉन ZF-C का वीडियो अच्छा लगा हो, जो कि था इसका कंप्लीट रिव्यू, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही। हास्ता ला वीस्ता।